वेरी गुड आफ्टरनून. माय नेम इज़ परीने लवात्रे. आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज फ्रॉम द सब्जेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. दिस सब्जेक्ट इज इन थर्ड ईयर फिफ्थ सेमिस्टर. द चैप्टर नेम इज वेक्टर कैलकुलस एंड टुडेज सब टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. मतलब अगर कोई दो वेक्टर्स दिए हैं उनके बीच में एंगल कैसे निकालना आज हम लोग सीखेंगे. सो द फॉर्मूला यूज इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी. लेट अस टेक वन एग्जांपल. थ्री पॉइंट्स आर गिवन, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन वेक्टर आर ए बी एंड वेक्टर आर ए सी. तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वेक्टर निकालने का, वेक्टर के बीच के एंगल करने का. सो द फॉर्मूला इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, एज आई सेड, वेक्टर आर ए बी डॉट वेक्टर आर ए सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए सी. सो एज यू कैन सी फ्रॉम द फॉर्मूला, हमें पहले वेक्टर आर ए बी निकालना पड़ेगा, फिर वेक्टर आर ए सी निकालना पड़ेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, आर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आर ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो सबसे पहले देखते हैं वेक्टर आर ए बी कैसे. वेक्टर ए आर ए बी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जैसे बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट. तो ये है बी के कोऑर्डिनेट, ये है ए के कोऑर्डिनेट. तो हमें बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करना है. सो आई स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग. थ्री माइनस टू इज वन ए एक्स, माइनस टू माइनस फाइव इज माइनस सेवन ए वाई, फोर माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, सो दिस विल बी फोर माइनस ऑफ माइनस इज प्लस एंड वन, सो इट विल बी फाइव ए जेड. सो दिस इज वेक्टर आर ए बी. नेक्स्ट वेक्टर आर ए सी. सो हाउ डू वी कैलकुलेट, सी के कोऑर्डिनेट माइनस ए के कोऑर्डिनेट. ये है सी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ये सी के कोऑर्डिनेट है, ये ए के कोऑर्डिनेट. सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट सी के कोऑर्डिनेट एंड ए के कोऑर्डिनेट. सो दिस इज माइनस टू माइनस टू माइनस फोर एक्स. 3 minus 5, it is minus 3 minus 5, it is minus 2a1. 1 minus of minus will be plus 2az. So this is your vector RAC. Now we require magnitude of vector RAB. सो हाउ डू वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए बी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर. सो दिस इज लाइक दिस, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर विच इज वन, वाई कंपोनेंट स्क्वायर विच इज माइनस सेवन एंड जेड कंपोनेंट स्क्वायर विच इज फाइव स्क्वायर. बाई यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन जस्ट फाइंड द वैल्यूज. सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ए सी, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज माइनस फोर का स्क्वायर, देन वी हैव वाई कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज माइनस टू स्क्वायर, देन वी हैव जेड कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज टू स्क्वायर.
So by using calculator, you can find this value. Again, we will be requiring RAB dot RAC. So we'll be calculating RAB dot RAC. ये कैसे निकालेंगे? वेक्टर RAB और वेक्टर RAC का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. यह है वेक्टर RAB, यह है वेक्टर RAC, इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे. डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? X का कोएफिशिएंट X के साथ, Y का कोएफिशिएंट Y के साथ, Z का कोएफिशिएंट Z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. हाउ डू वी कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट? विल मल्टीप्लाई X कंपोनेंट विद X कंपोनेंट, Y component with Y component and Z component with Z component. So to start with, X component with X component. 1 into minus 4 is minus 4. Then minus 7 into minus 2 is 7 2's are 14. Minus minus plus. 5 2's are 10. So this is 14 minus 4, 10. 10 plus 10. That is 20. So now you have magnitude of RAB, you have magnitude of RAC, you have dot product, that is RAB dot RAC. You can put in equation 1. Theta equal to cos inverse of RAB dot RAC is 20. Magnitude of RAB is what you will be calculating from here, and magnitude of RAC what you will be calculating from here. Substitute the values, you will be getting answer. So in this way, we can calculate the angle between any two vectors.